हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभास और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रभास मिश्रा पर। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति आज दरभंगा या फिर जयनगर रेलवे स्टेशन से आगरा जाना चाहे, चाहे वो ताजमहल घूमने के लिए या फिर किसी अन्य काम के लिए, तो उसके लिए यहां पे जाना असंभव सा होगा, क्योंकि कोई भी डायरेक्ट ट्रेन आगरा से दरभंगा या फिर जयनगर की नहीं है। लेकिन दोस्तों, उत्तर बिहार के अन्य जगहों से आगरा के लिए ट्रेन चलती है वाया आगरा होते हुए। अब दोस्तों, यहां पे हमारी भारतीय रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके मुताबिक बिहार संपर्क क्रांति और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस अब चलने वाली है वाया आगरा कैंट होते हुए दिल्ली तक, और वापसी में भी ये ट्रेन दिल्ली से खुलने के बाद वाया आगरा कैंट होते हुए ही दरभंगा और जयनगर को आएगी। दोस्तों, क्यों ऐसा फैसला हुआ है, कब से ये दोनों ट्रेनें इस रूट से चलेंगी, आज किस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे प्रीटेल के साथ। दोस्तों, से प्रोड्यूस करूं मेरा आपसे आग्रह, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय भी जरूर बताएं। और कोई शिकायत आपका है तो आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि हम यहाँ पे रूट परिवर्तन की बात करें तो हमारी भारतीय रेलवे ने इन दोनों ही ट्रेनों के साथ साथ कई सारी ट्रेनों का रूट बदला है, लेकिन जो रूट बदला गया है ये परमानेंटली नहीं है, यानी कि मात्र कुछ दिनों के लिए इन ट्रेनों का रूट बदला गया है। दूसरे दिन यहाँ पे ट्रेन की बात करें तो पहली ट्रेन है 12561, यानी कि जयनगर से नई दिल्ली के बीच चलने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, इस ट्रेन को 1 जुलाई को बदले हुए रूट से चलाया जाएगा। अब ये ट्रेन इटावा के बाद वाया आगरा कैंट पलवल होते हुए नई दिल्ली को जाएगी 1 जुलाई को। दोस्तों, इसी तरीके से 2 जुलाई को ट्रेन संख्या 02570 नई दिल्ली दरभंगा हमसफर एक्सप्रेस गाजियाबाद के बाद वाया मुरादाबाद लखनऊ बाराबांकी कैंट के रास्ते आएगी। इसी के साथ साथ ट्रेन संख्या 12274 नई दिल्ली हावड़ा एक्सप्रेस, यह ट्रेन वाया नई पलवल आगरा कैंट होते हुए आएगी। इसी के साथ साथ महाबोधि एक्सप्रेस भी वाया पलवल आगरा कैंट होते हुए चलाई जाएगी 2 जुलाई को। दोस्तों, इसी के साथ साथ बिहार संपर्क क्रांति 12566 जो कि नई दिल्ली से दरभंगा के बीच में चलती है, इस ट्रेन को भी वाया गाजियाबाद मुरादाबाद लखनऊ बाराबांकी कैंट के रास्ते चलाया जाएगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पे विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 12366 आनंद विहार टर्मिनल से भागलपुर को आने वाली, ये ट्रेन भी वाया मुरादाबाद लखनऊ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के रास्ते आएगी। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको इस रूट परिवर्तन के बारे में पता चल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इतना ही, मिलेंगे फिर वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।